Good evening and welcome to the News Hour Agenda. I'm Madhavdas Gopalakrishnan and we bring you this show from the banks of the Saryu in Ayodhya. Just 11 days to go for the Pran Pratishtha ceremony here in Ayodhya. And today the Prime Minister visited the Kalaram Temple in Nasik, where he began by sweeping and cleaning that particular temple. He also spoke about how he would be beginning a special 11-day Anushthan. He also expressed to the people as to how he was extremely emotional as he has been chosen to be an instrument for the people in terms of the consecration. Listen in. जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। And as we inch closer to the consecration ceremony, the politics is only continuing to play out. Digvijay Singh today spoke about how the Ram Temple itself was incomplete. He also spoke about the fact that the Shankaracharyas were not part of this entire ceremony, something that the Congress has been talking about for the last several days, and once again choosing to underline the fact that this entire ceremony, as per these Congress leaders, is not happening as per the required religious practices. कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है धर्मशास्त्र के अनुसार। And that the rest of the temple is not part of it. देखिए, जितने भाग उसके बनेंगे वो अलग हैं, एक भाग से दूसरे भाग से संबंध नहीं है। तीन मंजिला का मंदिर बनना है, एक मंजिला जहां यह रामलला की स्थापना गर्भगृह बना गया है, वह गर्भगृह पूर्णतया तैयार हो गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो गई है। तो उतना क्षेत्र जहां प्राण प्रतिष्ठा को करने के बाद मूर्ति को स्थापित किया जाना है, वो आधा अधूरा नहीं है, वह पूर्ण है, वह उतना क्षेत्र। The VHP has also refuted the charges made by Digvijay Singh. They have said that the ground floor where the sanctum sanctorum is to be there is complete at this point of time. He also said that three Shankaracharyas have actually welcomed the Pran Pratishtha ceremony. विधि विधान के अनुसार रामलला का स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। तीनों शंकराचार्यों ने बाकी मंदिर के पूर्ण हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया है। But the Congress party stuck to its guns and sharpened its attack on the BJP. They have come out to assert that they are only against the politicization of this event, at the same time saying that they are not against Lord Ram, but they are against the misuse of religion for politics. धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं, यही कहना इस देश के चार शंकराचार्यों का है। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। निमंत्रण मिला, 22 तारीख का निमंत्रण मिला, एक राजनीतिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिला,
उस तारीख के लिए, उस निमंत्रण के लिए जिनको ये निमंत्रण मिला उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। इसका अर्थ जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा, यह नहीं है कि जो जाना चाहता है और जिसको निमंत्रण मिला है उसको कोई रोक थोड़ी रहा है, जाइए। जैसा आपने सुना अभी कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जा रही है। अरे साहब, लेकिन मंदिर में जाना या न जाना में तय करने वाला एक राजनीतिक दल तो नहीं हो सकता ना? क्यों इसको धार्मिक बोलते हैं, कहें यह राजनीतिक कार्यक्रम है, हिम्मत दिखाए ना। पार्टी रैंक्स आर नॉट, उस निर्णय के साथ कार्यकर्ता को बुरा लगा है और ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर लक्ष्मण सिंह जी क्या स्टैंड रखते हैं, आप जाएंगे? जिस तरह से आला कमान का निर्देश है कि भाई सोनिया गांधी, खड़गे जी नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करते हैं सम्मान के साथ में। 100 बार जाएंगे, 22 तारीख के बाद जाएंगे और हर साल जाएंगे और जरूर जाएंगे और जाते रहेंगे और सबसे कहेंगे खूब जाओ। तो जो राम को किसी एक राजनीतिक दल का समझ रहे हैं, जो भगवान राम को किसी एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उन्हें शास्त्र पढ़ने चाहिए, उन्हें अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए, उन्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना, ठुकराना, ये दुर्भाग्य का विषय है। BJP has called the Congress Ram Virodhi for opposing the Pran Pratishtha, saying it is their misfortune for not being able to witness this historic event. तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना होगा। दुर्भाग्यशाली हैं, उनके संस्कार नहीं हैं भारत के, उनके भारत में जो हमारे सनातन है उसमें वो कहीं भी नहीं है। भारत में हमारे संस्कार, भारत में धर्मशास्त्र, भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म, भारत की मिट्टी, भारत की भाषा, कहीं भी वो कुछ भी उनके भाग्य में नहीं है, तो राम जी को क्या पाएंगे वो। इस समय द प्रॉब्लम इज टू इंश्योर दैट द कॉन्सेक्रेशन ऑन द 22nd जनवरी इज डन in a limited way because there's so many people wanting to go there. I mean, I have come across stories when I go to somewhere, people in the deep south want to get onto a train. Those trains are going to be run in a proper way. But Ram ko kisi ek desh ki seema mein bhi qaid nahi kiya ja sakta, isiliye Ram ko akhil kot brahmand nayak Ram kaha gaya. To jo Ram maryada purushottam bhagwan shri Ram, उनके उनकी जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये जो दिन है, ये तो भारत का उत्सव है, ये तो गौरव का विषय है, ये तो सनातन का दिन है। इसमें तो सबको खुशियां मनानी चाहिए। जिन लोगों को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है उनको उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं आपके इस चैनल से पूरे देश के एंटायर अपोजिशन के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को ये अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि राम को किसी एक पार्टी का मत समझो, अयोध्या किसी एक पार्टी की नहीं है। इस निमंत्रण को अस्वीकार करने के इस फैसले पर पुनर्विचार करें। कांग्रेस से सवाल पूछते हैं डॉक्टर करण त्रिपाठी, प्रमोद कृष्णम जी भी कांग्रेस में है लेकिन वो कहते हैं कि ये जो निमंत्रण को अस्वीकार करने के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये गलत है, सबको पार्ट लेना चाहिए, राम पूरे देश के हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, कैसे देखते आप इसे? देखिए, सबसे पहले जगदीश सिंह साहब, आप लोग को जय श्री राम, और हमारे परम पूजनीय और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी का जो वक्तव्य है उनका निजी मत हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें सिर्फ सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कांग्रेस तरफ जो लग रहा है कि भाजपा ने एक इवेंट, एक पर्सनल रूप में अपने एक इवेंट रूप में काम करना चाह रही है, प्रचार करना चाह रही है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं सारे लोगों को बुलाना और सारे लोग यहाँ आए तो फिर उनको खुद सबको बुलाना चाहिए था, सारे विपक्षों को बुलाना चाहिए था। और अगर कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता अगर नहीं आ रहे हैं मान लीजिए, ये उनका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, हो सकता है 22 के बाद वो आए, क्योंकि हम किसी के अधीन में नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हमको जब मेरी इच्छा होगी, जब हमारी इच्छा होगी तब हम आएंगे। ये आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि वो 22 तारीख को नहीं आना चाह रहे। जवाब देना चाहिए, वो कहेंगे कि हमारी इच्छा है जब हम आएंगे, 22 तारीख को आने की कोई जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे आप इन्हें? देखिए, पहली बात
कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी इसलिए नहीं हो सकती है कि कांग्रेस महात्मा गांधी की फॉलोअर है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की पार्टी है। श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने काम राजीव गांधी ने किया। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कराने का काम राम जन्मभूमि ने किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को अगर राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से प्रॉब्लम है तो ये उनका निजी विषय है। लेकिन अगर कांग्रेस राम विरोधी होती तो मैं यहाँ क्यों खड़ा होता? मैं आज अयोध्या आया हूँ, अयोध्या की माटी को अपने माथे पर लगाने के लिए आया हूँ। मगर मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी में कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आपने कहानी सुनी होगी विक्रम बेताल, तो जो कभी कभी कुछ बेताल ऊपर बैठ जाते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से और तमाम विपक्षी नेताओं से पार्टी को नुकसान नहीं होगा, चुनाव भी आ रहे 3 महीने में, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी बहुत इशू होना चाहिए। हमारे लिए राम नफा नुकसान का विषय नहीं है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। और हम राम के हैं, राम हमारे हैं। राम को किसी मौका मिल जाएगा ये कहने के लिए कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इस बात से सहमत हूं कि जो ये फैसला है ये राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना, राम का मंदिर के निमंत्रण को मिलना ये सौभाग्य का विषय है। राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता है, ये दुर्भाग्य का विषय है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से कह रहा हूं, शीर्ष नेतृत्व से कह रहा हूं कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। और मुझे लगता है कुछ लोग गांधी परिवार की जो पूंजी है, जो धरोहर है, गांधी परिवार की जो प्रतिष्ठा है, जो राम में उनका भाव है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। कुछ लोग हैं पार्टी में जो पार्टी की इमेज को खराब कर रहे हैं, क्या कहिए कमलेश यादव जी? देखिए पार्टी की इमेज की और पार्टी के बयान का यह मंच है ही नहीं है। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये धार्मिक कार्यक्रम है। रामचंद्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लोग या किसी अन्य पार्टी के लोग उस दिन शामिल होंगे कि नहीं होंगे, या बाद में आएंगे या उससे पहले आएंगे, ये उनका विषय है। एक धार्मिक कार्यक्रम में कौन राजनीतिक पार्टी शामिल हो रही है, कौन राजनीतिक पार्टी उस डेट पे नहीं शामिल हो रही है, ये सवाल ही नहीं है। इससे बड़ा सवाल तो ये है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में हमारे देश के 4 जो शंकराचार्य हैं वो आज शामिल नहीं हो रहे हैं। उस पर सवाल आपका होना चाहिए कि वो जो देश के हमारे 4 बड़े शंकराचार्य हैं चारों कोनों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? बीजेपी कह रही कि तीनों ने प्रशंसा की है, 3 लोगों ने, शंकराचार्यों का बयान आ चुका है कि वो नहीं आ रही हैं। दूसरी चीज, ऐसे कोई दिक्कत नहीं 3 लोगों को, 3 शंकराचार्यों को, राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण जो है भेजने वाले विश्व हिंदू परिषद के लोग, RSS के लोग और भाजपा के लोग होते कौन है? ये रामचंद्र जी के नाव है, ये रामचंद्र जी के जो है हरकारे हैं। जिसको आना होगा वो स्वतः बीजेपी न्योता दे रही है कि ट्रस्ट न्योता दे रही है? एक सेकंड, फैक्चुअल फैक्ट चेक करना चाहूंगा, न्योता कौन दे रही है, बीजेपी दे रही है कि ट्रस्ट दे रही है? क्षेत्र जो है निमंत्रण सभी को वही भेज रहा है। इनका ये आरोप है कि बीजेपी निमंत्रण दे रही है, हमको उसकी सही जानकारी नहीं है। ओके जी जी जी, ट्रस्ट बीजेपी का कोई बयान दे रहे हैं वो लोग निमंत्रण लेके RSS के लोग हिंदू परिषद के लोग जा रहे हैं, किसी को डाक से भेजा जा रहा है, किसी के यहाँ जाके दिया जा रहा है। इस इवेंट को धार्मिक कार्यक्रम के रूप में ही रहने दे, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश RSS और बीजेपी के लोग, क्या कहेंगे अपने? ये दुर्भाग्य है कि ये लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, भगवान राजनीतिक हो ही नहीं सकते तो रंग कैसे उनके ऊपर चढ़ेगा? जी जी, राजनीतिक इवेंट है, आप मानते हैं ये राजनीतिक इवेंट है? आपको ही पता है कि बिना घर बने हुए कोई आदमी गृह प्रवेश नहीं करता है, और अभी मंदिर तो पूरा भी नहीं बना है। हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य में से वह ऐसी स्थिति में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, क्या जवाब देंगे आप? राम हमारे आस्था के लिए हिंदू है और राम का मंदिर आज अयोध्या अगर प्रतिष्ठापित हो रहा है तो इसके 5 शताब्दियों का संघर्ष है। राम मंदिर केवल आज के लिए नहीं है, राम मंदिर के लिए हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, और उस 500 वर्षों के बाद आज ये अवसर आया है कि भगवान की पुनर्प्रतिष्ठा होने जा रही। पूरे देश में उत्सव का माहौल है और कुछ लोगों को इसका पाचन नहीं हो रहा कि राम अयोध्या में प्रस्तापित हो रहे हैं, और पूरा आम जनमानस उत्सव मना रहा है, तो निश्चित रूप से उन सब के लिए भी ये प्रेरणा का पुंज हो कि इस राम के काज में
सहयोग करें। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने स्थान पर रहकर भगवान का भजन करें, राम जी उनका कल्याण करेंगे। लेकिन इनका आरोप है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, आरएसएस का इवेंट हो गया कह रहे हैं। जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद गिराया गया था तब भी लोग राजनीति का आरोप कर रहे थे, उसके लिए हजारों लोगों ने संघर्ष बलिदान दिया तब भी लोग राजनीति का रंग दे रहे थे, और आज जब मंदिर बन गया है, बन रहा है, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब भी वो लोग राजनीति कर रहे हैं जी। ये करने वाले और काम को देखने वाले लोग समाज देख रहा है जी। और आज समाज उनके साथ खड़ा है कि कौन सही के साथ है, क्योंकि ये जो मनुष्य का जीवन हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपके ही पार्टी के जो कई नेता है, लक्ष्मण सिंह हो चाहे अर्जुन मोटवाड़िया हो, इन सबका कहना है कि उनकी राय अलग है कि ये जो बॉयकॉट या भाग ना लेने का जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं गलत है। लोग कह रहे हैं कि वो आए यहाँ राम मंदिर में और पार्टिसिपेट करें, क्या कहेंगे आप इस पे? इच्छा होगी तब हम आएंगे, हम किसी गुलाम है क्या आने के लिए? आपने हमको निमंत्रण, आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात। हाँ देखिए, मैंने पहले आपको बोल दिया इस मामले में हर आदमी का एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आपने मुझे निमंत्रण दिया लेकिन मेरा व्यक्तिगत मैं उसमें नियुक्ति में आपके नहीं जाऊंगा, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है ना। अगर आदरणीय सोनिया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ रहे हैं, इतना बवंडर, इतना परेशान क्यों भाजपा वाले? अरे चलो शंकराचार्य जी आ रहे हैं आपके, राष्ट्रपति जी को आ रहे हैं आपके, उनको नियुक्ति दिया आपने, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हम सबको लेकर साक्षर की परंपरा है और उसमें हमारे जो राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है उसके सारे लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जिनकी इच्छा नहीं आ रहा है, हम किस पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जी। कोई आए या ना आए, क्योंकि भगवान का शुभ काम होने जा रहा है जी। जो इसमें आएगा वो पुण्य का भागी बनेगा, इसलिए आमंत्रण दिया जा रहा है। ये कोई राजनीतिक आमंत्रण नहीं है या किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी आस्था का कार्यक्रम है, ये हमारे प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। तो आम जनमानस के साथ साथ पूरे देश के लोग उसके उत्सव के रूप में मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए जी। ये जो आरोप बार बार लग रहा है कि मंदिर की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, केवल ग्राउंड फ्लोर बना है, आगे कभी और पूरा करना था, क्या इसकी टाइमिंग चुनाव को लेकर की गई, इसे आप कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरह से कह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का निर्णय नहीं है, ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि इस वक्त पे होगा और ऐसे समय पे होगा, क्या कहेंगे आप इन्हें? ट्रस्ट का निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम कोई भी निर्णय लेते हैं किसी बड़े कार्यक्रम के लिए, आप प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, यहाँ सदियों से राम कणकण में है, राम घर घर में है, और वहां पर भी इसके पहले राम की पूजा होती रही है, अयोध्या के हर मंदिर में राम की पूजा हो रही है, और एक नई मूर्ति रख करके प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जो ये पूरा राजनीतिक जो ड्रामा खेला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जो है साजिश है। आप बताइए, ये बोल रहे थे कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, और ट्रस्ट के एक पदाधिकारी बयान देते हैं कि ये मंदिर रामानंदियों का है, सैव का नहीं है, वैष्णव का नहीं है। आप सैव वैष्णव रामानंदियों में भेद कर रहे हैं, ये भेदकारी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के लोग घर घर में फूट डालना जानते हैं, धर्मों में फूट डालना जानते हैं, अब रामानंदियों और सैव में ये फूट की बात कर रहे हैं। किसका मंदिर है, किसका नहीं मंदिर है, उनके बयान से साबित हो जाता है ये राजनीतिक कार्यक्रम है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा से सदियों से राम की पूजा होती आ रही है, उसी मंदिर में आज जो है उस मूर्ति को स्थापित कर देते जिसकी पहले पूजा होती थी, वो पूजा कंटिन्यू थी, स्थापित करनी चाहिए थी, यह आरोप है इनका, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब राजनीतिक लोग हैं, जो ये हो रहा है ये इन सभी से देखा नहीं जा रहा है। आज पूरे दुनिया में सभी की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है, ये अनाप शनाप बयान सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं, किसी एक समाज को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये तमाम बयान को बदलते रहेंगे। आज भारत में बैठे तमाम हिंदू और मुसलमान सभी ने राम भक्तों के ऊपर, राम के ऊपर अपनी आस्था जाहिर की है, और सभी राम भक्त अपने आप को मान रहे हैं। आज ये भव्य दिव्य अयोध्या जो दिख रही है ये किसी को रास नहीं आ रहा है। आज देख लीजिए, मैंने तो पहले की भी अयोध्या देखी थी, मैंने यहाँ पे देखा था सड़कें खून से लाल थी, मैंने देखा था नदियां खून से लाल थी, मैंने देखा था यहाँ पे
जो नजारा दिख रहा था मैं बता नहीं सकता हूँ, आज जो नजारा दिख रहा है जैसे लग रहा है पूरी तरह से स्वर्ग, जन्नत, ये जन्नत दिख रहा है। क्या इन सबको मोतिया बिंद हो गया, ये नहीं देख रहे हैं? मैं कहना चाहता नहीं आ रहे हैं, अब इस पर मामला चल रहा था, अब विकास पे बात होने लगी है। मुद्दा क्या है, पहले इस पर डिबेट हो जाए। मुद्दा तो यही था, निमंत्रण में नहीं आ रहे हैं कांग्रेस लोग। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस लोग कौन नहीं आ रहे हैं, अरे कुछ लोग तो चारों जो सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है हम लोग के, आप भी जानते हैं माधव जी, शंकराचार्य जी हैं, चारों पीढ़ के शंकराचार्य जी नहीं आ रहे। इस पर सवाल क्यों नहीं ये लोग जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं वो? और जैसा कि हमारे पार्टी नेता ने बताया कि यहाँ के जो ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं चंपत राय जी, उनका भी एक हफ्ते पहले अमर उजाला के पेपर में इंटरव्यू आया और उन्होंने बोला कि राम संप्रदाय का मंदिर है, किसी से वो वैष्णो का मंदिर नहीं है। तो अगर राम संप्रदाय का मंदिर है तो जो हमारे पीठ के जो हमारे जगत गुरु हैं शंकराचार्य हैं, फिर उनको आप मंदिर सौंप दीजिए, फिर आप लोग क्या कर रहे हो? क्या जवाब देंगे? शंकराचार्य का सवाल बार बार उठ रहा है, क्या जवाब देंगे आप उस पर? बिल्कुल, शंकराचार्य जी की जहाँ तक बात है तो शंकराचार्य जी हमारे श्रेष्ठ है ही है, हमारे धर्म के और संपूर्ण भारतवर्ष के श्रेष्ठ है। रही बात उनके आने की, तीनों शंकराचार्यों ने अपने तो चारों शंकराचार्यों ने प्रसन्नता जाहिर किया है कि राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए हमको प्रसन्नता है। और जो भी उनके बारे में अपवाद प्रचारित हो रहा है, उन्होंने बाकायदे लेटर जारी करके उन्होंने खंडन किया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया कि हम राम मंदिर के विरोध में है। स्टेटमेंट जारी किया गया कि हम विरोध में नहीं है, तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है, ये कह रहे हैं, जवाब दीजिए। हमने ये कहा कि क्या शंकराचार्य जी चारों शंकराचार्य आ रहे हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं मेन सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे? सवाल ये है मेरा, क्या 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 कहेंगे? हमारे शंकराचार्य आएंगे, हमारे शंकराचार्य की मर्यादा है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की अपने प्रोटोकॉल होता है, एक मर्यादा होती है, ऐसे हमारे शंकराचार्य की मर्यादा है। हम लोग उनको पूरे सम्मान के साथ बुलाएंगे, दर्शन भी कराएंगे, पूजन भी कराएंगे रामलला का। के बाद जब सब समय सही हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा, तो सब कांग्रेस नेता भी लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। मोतियाबिंद हो गया है, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुसलमान सब खुश है। आप भी जानते हैं जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया कि राम मंदिर यही बनेगा, उसी समय फैसला आया कि 5 एकड़ जमीन दे दीजिए, मस्जिद भी जो है इसी अयोध्या के कहीं इर्द गिर्द बनेगी। वो मंदिर की मस्जिद की जमीन मिल गई है, उस मस्जिद की नींव नहीं पड़ रही है, नक्शा नहीं है, सरकार प्रदेश सरकार पास कर रही है। ये बोल रहे हैं कि मोतियाबिंद हो गया है, मुसलमानों को जो है बड़ी खुशी है राम के आने की, उनके लिए भी इबादत घर बनाने की जो व्यवस्था थी, नक्शा नहीं पास हुआ, मस्जिद की नींव नहीं खुदी है, कहां से पूरी जनता खुश है? सवाल पूछा था, जवाब सुन लीजिए। यहाँ भगवान प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, 22 तारीख को प्रभु अपने स्थान पे विराजमान होने जा रहे हैं, और मस्जिद का भी तारीख बताने की जरूरत नहीं, मस्जिद का भी समय आ रहा है और ऐसा मस्जिद बनेगा। अरे छोड़िए जी, छोड़िए, क्या पाइंडिंग है उसका, जो भी नक्शा पास किया जा रहा है, ऐसा मस्जिद बनने जा रहा है कि आप लोग देखिएगा, जाना चाहिए था भारत का सबसे दिव्य, तब और खुशी होती, भारत का सबसे खूबसूरत 5 मीनारों वाला मस्जिद यहाँ पे बन रहा है, बनने जा रहा है। सुनिए, उद्घाटन होना चाहिए हमारी, यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम में किसके नक्श की, ओके सरकार नक्शा पास नहीं करी, मेरे और ये क्या है जो मस्जिद का है, अभी बोलू भाई बता रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया में उसके भी मोहिद्दीन जो उसके गवाह हैं, जो उसके अध्यक्ष बनेंगे, उनकी समितियां बन रही है, और उस बनने के बाद उस पर वो काम शुरू करने वाले, क्योंकि ये समाज का काम है और समाज के जो अपने ट्रस्ट है उसके आधार पर काम करने की जरूरत है। यहाँ हम सबको भी आज राम जी का जो उत्सव मन रहा है, पूरा अयोध्या राममय है, तो हम सबको भी संकल्प के साथ कि गिलहरी के बराबर मेरा योगदान उसमें हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और आज सारा समाज पूरे देश का, विशेष रूप से अयोध्या वासियों का, जो उनके मन में उल्लास है, जो उनके अंदर खुशहाली है, जो वातावरण बन रहा है, क्योंकि अयोध्या बदल रही है, नव दिव्य अयोध्या का निर्माण हो रहा है, तो आम जनमानस से लेकर सब में हर्ष व्याप्त है। आने वाले 22
प्लानिंग चल रही है वो नक्शा क्यों नहीं पास हो रहा है इसका रीजन आपको नहीं बता रहे हैं। सड़क से मस्जिद तक जाने के लिए जो कुछ किलोमीटर की दूरी है उसमें पतला रास्ता है, सैकड़ों किसान है, सरकार जमीन जब तक अधिग्रहित करके किसान की देगी नहीं, अपने से कमेटी खरीद नहीं सकती, जब तक रास्ता चौड़ा होगा नहीं नक्शा पास नहीं होगा। यहाँ हजारों घर गिरा दिए गए रास्ता चौड़ा करने के लिए और वहाँ जमीन नहीं खरीद के इनकी सरकार दे रही है कि मस्जिद का भी रास्ता बन जाए और मुसलमान भी खुश हो जाए और ये बोल रहे मोतियाबिंद हो गया है। इन लोगों का हमेशा से विरोध करने का पूरा सिलसिला चलता रहा है। पहले यही लोग आरोप लगाते थे हम तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब आज देख लीजिए, तारीख भी बता दिया और मंदिर भी बन रही है और 22 तारीख को रामलला अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करने जा भी रहे हैं। तो तारीख भी बता दिया और मस्जिद का भी तारीख बता दिया जाएगा, मस्जिद का भी तारीख बता दिया जाएगा। जन्मदिन रामनवमी के अवसर पर होना चाहिए था, तारीख भी आपकी जो है उचित नहीं है। इनका एक ये आरोप ऑपोजिशन बार बार ये कहते हैं ये विपक्ष कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब इसका तारीख जो है डेट एक आ गया है 22 जनवरी, क्या जवाब देंगे इसमें? 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई है। किसी प्राण प्रतिष्ठा रामलला की? रामलला पहले से विराजमान है, दूसरी मूर्ति ला के प्रतिष्ठा की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं, अभी अर्ध निर्मित मंदिर है और अभी अधूरे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम क्यों हो रहा है? और शंकराचार्य गुरु जी ने यही उनका अवरोध पैदा किया, उन्होंने कहा जब बता रहे पहले से वहां स्थापित थे तो थे, तब आप ये क्यों कह रहे थे कि मंदिर वही बताएंगे तारीख नहीं बताएंगे? उसका जवाब मुझे दीजिए, किस चीज के लिए कह रहे थे? बार बार कई ऑपोजिशन पार्टी ने कहा है कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख आ गई ये कह रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। 22 जनवरी कौन सी डेट आई है? महा प्रतिष्ठा की आ गई है, मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, 3 फ्लोर की मंदिर बननी है माधव जी, मंदिर अभी पूरा नहीं बना है। आप बताइए, आप बिना घर में कंप्लीट कराए आप गृह प्रवेश कर लेते हैं? लेकिन सत्येंद्र जाल जो मेन प्रीस्ट है, सिंपल लॉजिक ये है हमारे जानने बात की सत्येंद्र दास की, जो चीफ पुजारी है मंदिर के, उनका कहना है कि जो गर्भगृह बन चुका है वो अलग है, इंडिपेंडेंट है बाकी मंदिर से, और गर्भगृह अगर पूरा हो जाता है तो कॉन्सेक्रेशन हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। श्री रामनवमी के दिन करते हैं आप, उससे अच्छा दिन क्या हो सकता था जिस दिन राम आए? बताइए शायद भाई साहब को पता नहीं है कि उस मंदिर में आज ही के दिन रामलला प्रकट हुए थे। हमारे अयोध्या के जो भी तमाम संत हैं आज सुबह ही कलश ले जाकर के उन्होंने कलश पूजन किया है और एक समिति भी बनी है राम प्रकट उत्सव का, जिसका बहुत भव्य तरीके से संपूर्ण अयोध्या में कार्यक्रम मनाया जाता है। 14 तारीख को हम लोग पुनः बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके लिए इनको पता होना चाहिए। जी जी पता है महाराज जी, पता है, बट यही तो कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है आपको, ये कह रहे हैं आपको धर्म की जानकारी नहीं, ये कह रहे हैं, जवाब दीजिए इनको। नहीं है जो अभी कह रहे हैं कि सारी तैयारी, 22 तारीख से आप पूछ रहे कौन सा तारीख आएगा, 22 तारीख की तारीख क्या क्या प्रोग्राम है, ये इसके डिटेल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। परम गुरु जी हमारे सनाचार्य शंकराचार्य, उनसे पूछिए, ये उनका आरोप है, उन्होंने कहा कि अर्धनिर्मित मंदिर पे स्वास्थ्य विधि के अनुसार पूजा पाठ प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, नहीं कहा उन्होंने। अरे क्या बात करते हैं, स्टेटमेंट उनका वीडियो जारी हुआ, उन्होंने खुद मंदिर हो, मंदिर का हमेशा किसी भी आप मंदिर को देखिए 2 चरण में कार्य होता है, गर्भगृह पूरा तैयार हो चुका है, गर्भगृह में रामलला स्थापित किए जाएंगे, रही बात शिखर की, शिखर 2nd चरण में होगा जिसपे कलश और ध्वजा चढ़ाया जाएगा, आप बड़े बड़े मंदिरों को देखे होंगे ध्वजा और कलश अलग चढ़ाया जाता है। शिवसेना आज जब मोदी जी नासिक गए हैं वहां पर उन्होंने जो पूजा वगैरह की है, 11 दिन का अनुष्ठान भी बोला है, तो शिवसेना कह रही है कि मोदी जी वहां जा रहे हैं उद्धव ठाकरे के बाद, अब उद्धव ठाकरे मणिपुर जाएंगे और पीएम भी वहां जाएंगे, इस तरह के आरोप अब लग रहा है, क्या जवाब देंगे आप शिवसेना को? नासिक गए थे तो पंचवटी से 11 दिन का अपना अनुष्ठान शुरू किया है, क्योंकि भगवान राम की प्रतिष्ठा से पहले आज उनका स्टेटमेंट भी आया है और हम सब लोग देख भी रहे थे, और आज से वो उनका जो अनुष्ठान है आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर भी उन्होंने उद्बोधन किया है और उसमें संकल्प लिया कि 10 दिन उनके आत्म मंथन और विचार के साथ उनकी नई ऊर्जा का संचार करने के लिए किया है, तो निश्चित रूप से एक नया वातावरण पूरे देश में बनाने का है। और आज उन्होंने फिर से आह्वान किया है कि हम 22 जनवरी को अपने घर को दीपोत्सव मनाएं, मंदिरों में पूजा पाठ करने का संकल्प लेकर
एक पूरे देश में नया वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आज अब क्या क्या कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें चुना है इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, 11 दिन का अनुष्ठान उन्होंने उसकी घोषणा की है, कैसे देखते हैं आप उन्हें? मंदिर में, हमारे मन में, हमारे घर में राम पहले से विराजमान है, और ये जो दिया जलाने और वो जो दीपावली, हमारे प्रधानमंत्री जो कोरोना में भी दिया जलवा देते हैं और हम अपने घर में रोज दिया जलाते हैं सुबह शाम शाम को, हर दिन और कौन सा दिया जलवाएंगे, हम तो रोजा दिया जलाते हैं, तो 22 जनवरी कौन सा स्पेशल दिन है? 22 जनवरी 2024 के पहले चुनाव का एक एजेंडा है इनका, नहीं तो ये प्राण प्रतिष्ठा या तो राम नवमी पे होती या रामचंद्र जी जब लंका विजय करके सीता माता के साथ आए थे उस डेट होता, ये 22 जनवरी तारीख कहां से आ गई? जनवरी कहां से आ रही है? सिर्फ चुनाव की वजह से 22 जनवरी चुना गया है, ये कहना है इनका, जवाब दीजिए। ये हमारे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तिथि निर्धारित की है और उसमें तिथि में उनको आमंत्रण गया, उन्होंने आमंत्रण स्वीकार करके आने का संकल्प लिया है, और ये पूरा जो राम जन्मभूमि का निर्माण है उसकी जो समिति है उसके आधार पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की केवल इतनी अपील है आम जनमानस से कि इस दिन एक विशेष उत्सव का दिन मनाए, क्योंकि अयोध्या में दिव्य भव्य रामलला जी प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, नए मंदिर में उनका नया लोकार्पण हो रहा है, तो आम जनमानस से उनसे अपील है, हम पूजा पाठ अपने धर्म के लिए करते हैं, उस दिन विशेष रूप से उस आस्था का प्रकटीकरण है, इसलिए हम सबको आमंत्रित किया है। And with that, we are completely out of time on this debate. It's been a very engaging debate and very significant one. And clearly, of course, we will continue to see the politics play out. Unfortunately, that's been one of the lead motives of this Pran Pratishtha, that every day we are seeing very, very hectic politics being played out. I'd like to thank all our panelists for joining us. Kamlesh Singh Yadav, Dr. Karan Tripathi, Devesh Acharya Ji Maharaj, as well as Bablu Khan and Dr. Mitlesh Tripathi and Acharya Pramukh Krishnam, who was with us here earlier in the debate.